हेलो 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 गाइज, गुड मॉर्निंग। हाँ करो करो हेलो। हाँ सो आज मैं व्लॉग करने वाला हूँ जिनू, बरोबर, मेरे मामा के साथ। हाँ ये रे मामा। हाँ ये क्या कर रहे हैं जिनू? मस्ती कर मामा के जिनू, ये देखो भाई मेरा भांजा है, फुल मस्ती वाला। कल रात को सो ही नहीं रहा था, बोला मैं सो जाऊंगा ये सब चले जाएंगे। हेलो वेलकम वेलकम। ये देखो बहुत मस्ती करता है, कुछ कहना चाह रहा है मेरे को, बोल बेटा। खाना नहीं खाता है ये बच्चा, बहुत मस्ती करता है। सुरेंद्र नगर का एलपी टावर गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया होगा, विद्युत विभाग सुरेंद्र नगर। एक नंबर है, कोई ये सिटी तो बहुत पसंद आई। अगर YouTube से अच्छा खासा पैसा आने लगेगा तो इस सिटी में एक मकान रखूंगा, एकदम शांत चिल्ड, कोई ज़्यादा व्हीकल नहीं, गांव जैसा फीलिंग है, गांव जैसा। इस बहुत पसंद आई मेरे को ये वाली, मेरे गांव से भी ज़्यादा मेरे को पसंद आया। अभी हम एक चीज़ लेने के लिए आए हार्डवेयर की शॉप पे, ये हार्डवेयर की शॉप पे लेते हैं जीजा जी के घर पे, आते हैं फिर काम करते हैं फटाफट, फिर मिलते हैं आपको फिर से ब्लॉग में। ओम ना खजीनू फिर भाजिया लिया जल्दी। जिनु और मामा जम्मा बैठा, जिनु और मामा दोनों खाने के लिए। जिनु हाय करो, हाय। रॉन्ग साइड चालस मुझो सुपन जिन टाटा बाय बाय टाटा। ये मार चल्लो जॉइन करू कैसे कालो तीले कितो ओके जिनु मासी ने बोला, मासी बोला मासी आपके मामा
जिन जिन वाग वाग गाय जिन गाय गाय बोला ए किनु आमा बोला ज़ॉम्बी केम केम करे जिनु ये केम केम करे पप कर दे पप पप कर दे जिनु जिनु ए जिनु जिनु पप पप कर दे पप वे जिनु जिनु ए कर दे पप कर दे हेलो जिनू ए कैसा ऐसे इसलिए ऐसी सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद। इसका मुंह उतर गया, इसको पता चल गया कि सब लोग जाने वाले, तो मुंह उतर गया है इसका। सो चलो अहमदाबाद जाके मिलेंगे। अभी थोड़ा बहुत सुरेंद्रनगर में एक मंदिर है वहाँ पे, इधर इधर इधर। ओके सो जिन्होंने टाटा कर दिया और हम अहमदाबाद निकल रहे हैं, तो थोड़ा सुरेंद्रनगर में एक मंदिर है वहाँ पे घूमने के बाद फिर अहमदाबाद निकल जाएंगे, जिन्हों को टाटा कर देंगे टाटा। ओके चलो मिलते हैं अगली क्लिप में। गाइस अभी सुरेंद्रनगर त्रिमूर्ति मंदिर आए हम लोग, दिखा देता मैं, जूम नहीं है ना इसमें, इसमें जूम नहीं है तो मैं दिखा देता आपको। सो सो बोर्ड 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 ओके, यहाँ भाई कहीं भी होना चाहिए, दिखा गया बोर्ड। ओके उस साइड पे है क्रॉस द वे, ये रहा हाँ ये वाला है बोर्ड, अभी देखना दिखाई देगा। सो ये त्रिमूर्ति मंदिर का बोर्ड है और ये है त्रिमूर्ति मंदिर, नहीं दिख रहा होगा अभी, ये रहा ये त्रिमूर्ति मंदिर है। अगर परमिशन रहेगी तो अंदर से थोड़ी वीडियो निकालेंगे हम लोग। ओके जे जिनू जे करो जे करो बेटा जिनू जे जे मंदिर जगर जिनू ए जिनू जे करो जे जे मंदिर जे ई जे जोर दी बोला जे। पप्पी करो मामन मामन पप्पी करो पप्पी अहिया गालू पर जिनू पप्पी करो गालू पर पप्पी मामून मामून नहीं करता आरो कैमरा में जो नाटक को बंद कर दे, कैमरे में देखने के बाद सारे नाटक बंद हो जाते इसकी। बार करे तेरी त्रिमूर्ति मंदिर काफी बढ़िया है यार, यहाँ पर पार्किंग स्पेस भी दिया हुआ है, एक नंबर बोलते यार। अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से इसको मैनेज किया हुआ है, तैयार किया हुआ है। फिर अंदर ये
सो ये फाउंटेन और गेट से और फाउंटेन से मंदिर पूरा स्टार्ट होता है। दोनों साइड गार्डन्स है एकदम सही से मास्तन। फिर शुरुआत की सीढ़ियों में एलिफेंट हाथी है। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए गार्डन है छोटा, फिर भोजन सारा है। फिर जाते ही दो शेर आएंगे सामने, पूरा इस तरीके से स्ट्रक्चरल है। टाक से हम सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं, दूसरी बार चढ़ाऊँ तो। और यहाँ पे दो गार्ड, ओके ये गार्ड है। और फिर इस तरीके से बड़ा सा सजाया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। मैंने बोला दोनों साइड गार्डन और खेत। अंदर का प्रीव्यू देखते हैं। दो गार्ड मंदिर के, फिर ये बड़ा सा गेट, ये देखो आप एकदम बड़ा सा गेट, मस्त गेट है, पसंद आया है। वुडन का है पूरा गेट, गेट वुड का है और ये तांबे का है पूरा, तो एकदम बढ़िया है। ऐसे एक दो तीन चार और पांच, पांच बड़े बड़े गेट है यहाँ पे। और ये बेल और यहाँ पे ये पूरा पुस्तक डिपार्टमेंट है इनका, तो यहाँ पे पुस्तिका मिलती है अलग 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 काफ़ी सारे। फिर ये पद्मावती देवी, फिर ये शंकर भगवान का नंदी छोटू सा। तो मैंने बोला इनके कान में कुछ। फिर हमारे सबसे फेवरेट भगवान हनुमान जी, फिर शिवलिंग है बहुत बड़ा शंकर जी का, फिर अंदर साथ ही साथ माता पार्वती और शिवलिंग, फिर उनके ही सबसे प्रिय पुत्र गणेश जी। सो काफ़ी बढ़िया और मस्त मंदिर है, पसंद आया। दिन में एक बार आओ तो मज़ा आता है। जैसे कि देखो अभी ये दान पेटी है यहाँ पे छोटी सी, ये दान पेटी। फिर यहाँ पे देखो भगवान को हवा लगाने के लिए रखा हुआ है। फिर पार्श्वनाथ भगवान, फिर महावीर भगवान, फिर चंद्रायण यक्ष देव, ये है वर्तमान तीर्थकर श्री संवीधर स्वामी। तो ये सबसे बड़ी मूर्ति है इस मंदिर की, ये वाली। और इसका भी बहुत बड़ा गेट है, मतलब पांच गेट वो है और आई थिंक तीन गेट ये है मंदिर के अलग अलग। फिर पंचागुली यक्षिणी देवी, फिर ये ऋषभ देव, फिर उसके बाद श्री अजितनाथ भगवान यक्षिणी देवी है, और हाँ पंचागुली यक्षिणी देवी है। तो मैं आपको सब दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं भी खुद अंदर जाके एक एक भगवान से पैर छूंगा और करूँगा। अभी ये देवी है भद्रकाली देवी। और हमारा जिनू हमारे साथ आ गया, सो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ अम्बा माता जी का ये अम्बे माँ, फिर है चक्रेश्वरी देवी है ये। सो आप सब देख लें, मैं जैसे जैसे बताते जाता हूँ, क्योंकि एक और बताना है। बट उसमें क्या है कि ये हमारी कुल देवी एक नंबर बार एपिक है, बहुत पसंद आया हमें कुल देवी का। जिनू जय जय करो। ओके अभी उसका मूड नहीं है जय जय करने का,
जिनू का तूफानी है बहुत। लो ओके, उसके बाद है श्रीनाथ जी भगवान, फिर कृष्ण भगवान, फिर तिरुपति बालाजी, फिर शनि महाराज। अभी हमारे सुखू से कृष्ण भगवान है, उनके अभी कोई और। सो भाई लोग, ये एकदम बड़ा सा हॉल है, मतलब जो भी हॉल बोलते हैं मंदिर के आगे, तो वो तीन मंदिर है और तीनों के गर्भगृह है, तो उसके अंदर जाने के लिए यू नीड टू प्योर सोल। तो मैं अभी जाके पहुँचूँगा वहाँ पर अंदर जाके, तो वहाँ अंदर जाके अलाउड नहीं, उतना अंदर जाके करना, तो वो मंदिर है तो मैंने लिया, उसके अंदर अलाउड नहीं, पांच बड़े और तीन छोटे छोटे। ओके, तो मैं अंदर जाके शिव जी से मिल के आता हूँ, फेवरेट भगवान मेरे ऑल टाइम, शिव जी को मिल जाता हूँ। मंदिर के अंदर तो हमने सब कुछ देख लिया, भगवान को पैर भी छू लिए, अभी बाहर का पूरा व्यू दिखा देता हूँ मैं। आगे का फ्रंट का देख चुके हम लोग, अभी पीछे का देखेंगे, पूरा घूम के चारों ओर से दिखा देता हूँ मैं। सो यहाँ से देखो, धीरे धीरे मैंने चलना स्टार्ट कर दिया। ये गेट जो बोल रहा था मैं, तीन गेट है तीन मंदिर के लिए, बराबर। फिर इतना बड़ा सा लॉबी जैसा बनाया हुआ है यहाँ पे पूरा, एक मस्त सही से अंदर फोटोग्राफी अलाउड है बट उतना नहीं है। फिर ये गार्डन पूरा चारों ओर है इसके, आप लोग देख सकते हो पूरा चारों ओर। सो एक गेट यहाँ पे निकलता है, ये वाला मंदिर से अंदर से होते हुए, फिर उसके बाद दो तीन छोटे छोटे मंदिर है। ये पद्मनाथ भगवान मंदिर है, ये एकदम चुटकू सा, ये पद्मनाथ भगवान मंदिर। ओके, सो है इतना बढ़िया दिख रहा है ये, आप लोग देखो कैसा लगा मुझे बताना। दूसरी साइड भी दिखाता हूँ जहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। जय जय करो जिनू त्या, ओम नमः शिवाय। आए मारा फेवरेट जिनू, उधर ओम नमः शिवाय। जय जय करो बद्दा, चे 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 चे। महादेव में सो रहे थे, डेफिनेटली न्यूड लग रही थी। कृष्ण भगवान करो जय, और ये दूसरी साइड साई बाबा का मंदिर है, शिव साई बाबा। तो सारे भगवान हैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट सारे के सारे। दो मंदिर के साइड में दो गेट, सामने की ओर तीन गेट, और तीन गेट अंदर की ओर जो भगवान के लिए रहते। और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल जैसा दिखता है, मंदिर में आता है कुछ लेना है उसके लिए, तो
जूस बिस्किट और ये सब है यहाँ पर। और फिर ये पीछे से गार्डन है बच्चों के खेलने के लिए, बहुत बढ़िया। और सामने वो छोटा सा दिख रहा है वो खाने के लिए, मतलब किसी टाइम खाना रहता होगा कोई भी एक टाइम यहाँ पे, तो काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, आना चाहिए देखना चाहिए। और यहाँ पे फ़ोटो वोटो अलाउड है, बट एक मेंटेन डिस्टेंस आपको रखना पड़ेगा, दूरी रखनी पड़ेगी, उस दूरी से आप फ़ोटो खींच सकते हो। आपने देखा होगा कि मैंने आप कितने क्लोज से दिखाया, बट फिर भी यहाँ पे एक है डिस्टेंस रखना पड़ता है। तो मैं तो इसलिए कर पाया क्योंकि मंदिर खाली है, तो आई थिंक अभी थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा उतना, वो ध्यान नहीं है उस चीज़ पे, क्योंकि अभी क्या होगा ऐसे लोग नहीं आएंगे कि कुछ भी छेड़े कुछ भी ख़राब करे, तो इसके लिए मेरे को तो परमिशन मिल गई यहाँ पे इतना क्लोज शूट करने का। बट अगर आप आते हो तो वो चीज़ का ध्यान रखना कि फ़ोटोज़ अलाउड है, बट उतना क्लोज मत चले जाना कि मंदिर प्रशासन को भी कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो, बराबर। ये है काफ़ी बढ़िया अक्षरधाम सुरेंद्र नगर का मंदिर। तो अभी निकलेंगे अहमदाबाद के लिए, और बीच में अगर कुछ अच्छी जगह मिल जाएगी तो वहाँ पे भी शूट कर लेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। क्या नीचे अवना करता। अभी पूरा पीछे का एरिया एकदम मस्त फूल है। जी है त्रिमूर्ति मंदिर सुरेंद्र नगर, ये है अंबा रिफ्रेशमेंट कैंटीन, तो ये कैंटीन जैसा है। और वहाँ पे कुछ बड़ा सा हॉल है, आई थिंक कथा और वैसा होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ। और ये गार्डन उद्यान भोजन शाड़ा, सो चार्जेस है यहाँ पे है एक नंबर वाय। वहाँ पे कुछ कथा समथिंग हो तो रहा अंदर, सब लोग जा रहे तो चेक करते हैं वहाँ पे। और ये कैंटीन, तो ये सत्संग हॉल है, सही से होता है यहाँ पर एकदम अच्छी वाला सत्संग हॉल है, वहाँ पे सत्संग होते हैं। अच्छा है, मेडिटेशन के लिए आना चाहिए हर एक बंदे को यहाँ पे, सत्संग है अच्छा लगेगा सत्संग में आके, सभी को माइंड शांत होगा आपका। अच्छी बातें सुन के अच्छा होगा, अच्छा लगेगा। लाइफ में कुछ अचीव करना हो तो ऐसी चीज़ों से ऐसी चीज़ें आपके पास होती है तो अच्छा रहता है, जिससे माइंड शांत रहता है और आप आगे क्या करना है वो सोच पाते हो, बराबर। चलो और देखते आगे कुछ लेने लायक है तो लेते हैं। दूध नहीं सने तो ये हाल लग दूध नहीं पाल तो बना इसकी खड़ा जी खड़ा जी ये रहा था मैं वो बैठे थे उनके घर बैठे काम है। ए मस्त पोटा आई एम नो ग्रीन है जाई उलन ये ऊपर अकुल लीजिए जो है इसी जता रहा ना मैं आओ बताइए और बंद है चंपल करने की इतनी मस्त लागे। पापा पापा जीनू ये जीनू का जीनू गोड़ा थे हाँ मासी बोलो मासी मासी गोड़ थे ये ये बाजू
चलो भाई अभी सुरेंद्र नगर से निकल रहे हैं और ये स्टार्टिंग में आंबेडकर की मूर्ति आती है। सो बाय बाय सुरेंद्र नगर, अभी अहमदाबाद जा रहे हैं हम लोग। नमस्ते गाइस, अभी अहमदाबाद आ चुका हूँ। तो आज के ब्लॉग में कुछ ज़्यादा ही गुजराती हिंदी मिक्स मिलेगा आप लोगों को। सो क्योंकि वो छोटा बच्चा है, वो समझ नहीं रहा था तो उसको कैसे समझाते, तो गुजराती हिंदी मिक्स हो गया आज। और अभी अहमदाबाद आ गए हम लोग। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही था, मिलते हैं कल के ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड नमस्ते।